वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। देखिए आज मैं आपके लिए जूते का एक बहुत प्यारा सा डिजाइन लेकर आई हूँ। और देखिए आपने जब इसे स्टार्ट करना है तो इसमें आपने 12 फंदे डालने हैं। और देखिए मेरा सिलाई नंबर भी देखिए 11 है। और फ्रेंड्स देखिए, और ये मेरा वर्धमान का ऊन है। अब आपने क्या करना है, देखिए आपने सबसे पहले 12 फंदे डालने हैं। और 12 फंदे डालने के बाद आपने फ्रेंड्स देखिए इस तरह से फर्स्ट रो जो बुनेंगे आप, फर्स्ट रो हमने पूरी इस तरह से सीधी बुननी है। तो देखिए सीधा हम कैसे बुनते हैं, सीधा फ्रेंड्स हमने देखिए धागा पीछे रखना होता है और इस तरह से हम सीधा बुनते हैं। देखिए इस तरह फ्रेंड्स ये डिजाइन बहुत ही प्यारा है। और जब आप सिर्फ एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह आप इसको इजीली बना लेंगे। लास्ट वाला फंदा जो होगा फ्रेंड्स, आपने देखिए उसको अपनी तरफ धागा करके उल्टा बुनना है। तो आपकी ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब देखिए हमने सेकंड रो बुननी है, तो आप इसे उतार लीजिए। और अब आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ आपने एक फंदा बढ़ाना है। तो देखिए इस तरह से एक फंदा मेरा बढ़ गया। फिर हमने क्या करना है, देखिए यहाँ एक, अब आपने देखिए फ्रेंड्स सारे फंदे सीधे ही बुनने। अभी हमने सिर्फ सीधे सिलाई से ही स्टार्ट करना है इसको। बीच में हम डिजाइन डालेंगे लेकिन जब तक हम फंदे बढ़ाएंगे फ्रेंड्स, जब तक हमने सीधा ही बुनना है। तो देखिए इस तरह, देखिए एक फंदा मैंने यहाँ बढ़ाया और एक फंदा मैंने यहाँ बढ़ाना है। तो देखिए इस तरह से एक फंदा बढ़ा लिया और लास्ट वाला फंदा धागा आगे करके उल्टा बुन दीजिए। जब आप उल्टा बुनेंगे तो यहाँ खूबसूरत सी चेन आएगी जिसमें से हम बाद में फंदे उठाएंगे। देखिए इस तरह से फिर आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने फिर से हमारी थर्ड रो है ये, देखिए थर्ड रो आपने क्या करनी है, पूरी सीधी बुननी है। देखिए थर्ड रो पूरी सीधी बुननी है। फंदे बढ़ाने के बाद हमारी ये फर्स्ट रो है, समझिए। मैं आपको बताती हूँ कि किस किस तरह से हमने फंदे बढ़ाने हैं। और लास्ट वाला फंदा उल्टा बुन दीजिए। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट रो जो थी, फंदे बढ़ाने के बाद एक रो हमारी बन गई है। सेकंड रो भी फ्रेंड्स आपने पूरी सीधी बुननी है। तो मैं सेकंड रो बुनकर आपको बताती हूँ कि थर्ड रो में हमें क्या करना है। बढ़ाने के बाद हमने सेकंड रो भी बुन ली है और अब फंदा बढ़ाने के बाद फिर हमने अब थर्ड रो जो बुननी है वो भी पूरी हमने सीधी ही बुननी है। तो मैं इस थर्ड रो को भी कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि फोर रो में हमें क्या करना है। थर्ड रो भी मैंने सीधी बुन ली है। देखिए फ्रेंड्स अब आपने क्या करना है, अब आपने जो फंदे बढ़ाने के बाद तीन लाइनें आपने सीधी सीधी बुन ली, उसके बाद आपने फ्रेंड्स देखिए फिर से हमने एक फंदा बढ़ाना, यानी कि हर चौथी सिलाई में आपने फंदा बढ़ाना है इस तरह से। अभी हमारी फंदा बढ़ाने के बाद चौथी लाइन है जिसमें हमने एक फंदा इधर से बढ़ाया है और सीधा ही बुन रहे हैं हम, देखिए। और अब हमने क्या करना है, साइड में फिर हमने इधर भी एक फंदा हमने बढ़ाना है। पहले यहाँ देखिए, यहाँ हमने फिर से एक फंदा बढ़ाना है और लास्ट वाला फंदा धागा आगे करके उल्टा बुन दीजिए। देखिए फ्रेंड इस तरह से, देखिए अब फिर आपने देखिए एक सिलाई इधर से सीधी बुननी है, फिर एक सिलाई इधर से सीधी बुननी है, फिर एक सिलाई इधर से सीधी बुननी है, यानी तीन सिलाइयां बुनने के बाद हर चौथी सिलाई में आपने फंदा बढ़ाना है। तो ये इस तरह से वी सा बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से, इस तरह से देखिए मैंने इसको बढ़ा लिया है। मैंने देखिए फ्रेंड्स आपने कब तक फंदे बढ़ाने हैं, हर चौथी सिलाई में आपने दो फंदे, एक फंदा इधर बढ़ाना है एक इधर बढ़ाना है। तो मैंने इस तरह से इसको बढ़ा लिया है और टोटल फ्रेंड्स मैंने इसमें 12 फंदे बढ़ाए हैं, यानी ये टोटल हमारे 24 फंदे हो गए हैं। देखिए हर चौथी सिलाई में, और लाइनें गिनेंगे आप तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइनें हमारी इधर है, यानी हमने ये 24 सिलाइयां बुनी है और 12 लाइनें इधर है। तो इस तरह से देखिए इसका लुक आएगा जब आप दोनों तरफ से एक एक फंदा
हर 34 लाइन पे बढ़ाएंगी। इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए इसके बाद आपने यहाँ से दूसरा कलर ज्वाइंट करना है। अब हमने यहाँ से दूसरा कलर लगाना है। 12 लाइनें हैं और 24 सिलाई हैं। अब 25 सिलाई जो बुनेंगे फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, एक फंदा उतारना है और देखिए इस वाले कलर से अपनी पसंद का कोई सा भी कलर आप ज्वाइंट कर सकती हैं। पूरी सिलाई आपने पहले सीधी बुननी है इस तरह। देखिए तो मैं इस पूरी सिलाई को सीधा बुनकर आपको बता दूं कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, 25 सिलाई मैंने पूरी पीले से बुनी है और लास्ट वाला फंदा भी हम पीले से सीधा ही बुनेंगे। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, 25 के बाद देखिए 26 सिलाई है हमारी, तो अब आपने पूरी सिलाई 26 ही उल्टी बुननी है इस तरह से। ये देखिए तो इस तरह से मैं इस रो को पूरा कंप्लीट करके आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने पूरी रो उल्टी बुन ली है। अब देखिए हमने क्या करना है, एक फंदा उतारेंगे और एक फंदे के फ्रेंड्स हमने तीन फंदे बनाने हैं इस तरह से। फिर देखिए एक बल डालेंगे, फिर हम दोबारा से बुनेंगे। तो देखिए एक फंदे के तीन फंदे बुन गए। फिर हमने क्या करना है, एक फंदा उतार लेंगे, फिर से हमने एक फंदे के तीन फंदे बनाने हैं। तो पहले एक बार बुन लेंगे, फिर एक बल डालेंगे, फिर से हमने दोबारा उसी फंदे को सीधा बुनना है और फिर एक फंदा उतार लेंगे। दूसरे फंदे को हमने देखिए एक बार बुना, फिर बल डाला, फिर दोबारा से हमने बुन लिया। इस तरह से एक उतारेंगे, एक फंदे के हमने तीन फंदे बनाने हैं। एक बन गया, दूसरा हमने बल डाला और तीसरा फंदा हमने फिर से दोबारा से बुन लिया। फिर एक फंदा उतार लिया, एक बार बुना, एक बल डाला, फिर से हमने एक फंदे के तीन बना लीजिए फ्रेंड्स। इस रो में हमने यही करना है। देखिए एक उतारिए, एक फंदे को पहले एक बार बुनिए, फिर बल डालिए, फिर दोबारा से बुनिए इस तरह से। तो इस रो को मैं कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इस रो को देखिए कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। ये हमारी जो हमने ये येलो कलर लगाया, इससे हमारी ये थर्ड रो थी। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने एक फंदा उतारना है और ये देखिए एक, ये दो और ये तीन। ये जो आपके तीन फंदे थे ना फ्रेंड्स, आपने अब इन तीन फंदों को इस तरह से आगे से आपने इन तीन फंदों को देखिए एक, दो और ये तीन। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इस फंदे को आपने सीधा बुनना है इस तरह। और फिर आपने एक फंदा जो बिना बुने उतारा था इसे उतार लेंगे, फिर इन तीन फंदों को आपने फिर से सीधा बुनना है। पहले आप इनको थोड़ा सा इस तरह से लूज कर लीजिए, क्योंकि जो बल वाला फंदा है वो थोड़ा सा टाइट है। जब आपके लूज हो जाएंगे तो फिर आपने इस तरह से देखिए इस तरह से आपने बुनना है। फिर आपने एक फंदा उतारना है और इन तीन फंदों को, ये जो आपके तीन फंदे हैं, इन तीन फंदों को एक साथ आपने सीधा बुनना है इस तरह से। तो कुछ इस तरह से डिजाइन आएगा। अब आपने फिर एक फंदा उतारना है और इन तीन फंदों को आपने फिर से सीधा बुनना है। ये देखिए एक फंदा उतारिए और तीन फंदों को एक बार सीधा बुन लीजिए। तो जो बढ़ गए थे वो हमारे कम भी हो रहे हैं। देखिए फिर आपने एक फंदा उतार लेना है। इसी तरह से फ्रेंड्स हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए इस डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। ये देखिए जो हमने डिजाइन डाला है, सिर्फ चार सिलाई का डिजाइन था। आपने देखिए इस तरह से बनाना था। मैंने पहले देखिए, पहले मैंने सीधी रो बुनी, फिर उल्टी सिलाई बुनी, फिर उसके बाद मैंने एक फंदे के तीन सीधे सीधे में बुने और फिर इन तीन फंदों को मैंने एक कर लिया। तो ये मेरा डिजाइन तैयार हो गया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए फिर से आपने इसी डिजाइन को हमने अब दोबारा रिपीट करना है, लेकिन अब हमने दूसरा कलर लगाना है, यानी अपना ये हमने जो ग्रीन कलर ले रखा है, इससे हमने पहले पूरी सिलाई हमने सीधी बुननी है इस तरह। तो देखिए मैं इस रो को पूरा सीधा बुनकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है।
यहाँ से जैसे मैंने पीले में पहले फर्स्ट लाइन जो बुनी थी इस डिजाइन की सीधी बुनी थी तो मैंने बुन ली है। अब इसके बाद देखिए सेकंड रो जो डिजाइन की है इसे आपने पूरी अब फिर से उल्टी बुननी है। हम उल्टी तरफ हैं तो देखिए फ्रेंड्स हम उल्टा ही बुन रहे हैं, तो मैं इसे उल्टा बुनकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड्स अब मैंने पूरी सिलाई उल्टी बुन ली थी, अब हम सीधी तरफ आ गए हैं। फिर से फ्रेंड्स देखिए हमने एक उतारना है और एक फंदे के फिर से हमने तीन फंदे बनाने हैं। तो देखिए एक बार बुनेंगे, एक बल डालेंगे, फिर एक बार सीधा बुनेंगे, तो एक फंदे के तीन फंदे बन गए। एक उतार लेंगे, फिर एक फंदे के देखिए तीन बनाने, एक बुने एक बार सीधा बुनेंगे, एक बल डालेंगे, फिर एक बार हमने दोबारा से सीधा बुनना है, फिर एक उतारना है, एक फंदे के तीन फंदे बनाने हैं, फिर एक उतार लेंगे, फिर एक बार बुनेंगे, एक बल डालेंगे, फिर एक बार और बुनेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स इन सारों फंदों को बनाकर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए इस रो को कंप्लीट कर लिया है। एक फंदे के तीन फंदे बनाए और एक फंदा उतार लिया, फिर एक फंदे के तीन, फिर एक उतार लिया। अब हम देखिए उल्टी तरफ आ गए हैं। अब आपने उल्टी तरफ से क्या करना है, देखिए एक उतारना है और जो ये आपने तीन फंदे बनाए थे फिर से हमने जैसे येलो वाली लाइन बुनी थी ना फ्रेंड्स, बिल्कुल उसी तरह से इन तीन फंदों को आपने फिर से सीधा बुनना है। इस तरह देखिए फिर एक उतार लेंगे, फिर आपने ये देखिए एक दो और ये तीन, इन तीन फंदों को फिर से आपने सीधा बुनना है, फिर एक फंदा उतार लीजिए, फिर इन तीन फंदों को देखिए दो और एक ये तीन, इन तीन फंदों को आपने फिर से सीधा बुनना है। इस तरह से एक उतारेंगे और तीन फंदों को सीधा बुनेंगे, एक साथ मिलाकर बुनेंगे। देखिए एक फंदा दो और ये तीन, फिर इन तीन फंदों को आगे से हम इस तरह से सीधा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए इस डिजाइन को भी कंप्लीट कर लिया, चार सिलाइयों का डिजाइन था। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमने फिर से देखिए येलो वाले से दो लाइनें और इस तरह की बनानी है। तो देखिए देखिए एक ये बन गई है, फिर से बढ़िया हरी है, फिर हमने येलो से बनानी है। तो येलो से दो लाइनें और बनाकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। अब हमने इसी डिजाइन को, ये जो हमने बनाया इसी डिजाइन को हमने आगे रिपीट करना है। तो मैं रिपीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से देखिए मैंने ये डिजाइन देखिए कंप्लीट कर लिया। देखिए तीन लाइनें मैंने और बना ली हैं और एक मैंने आपको समझा दी थी। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए ये हमारी चार चार सिलाइयों का डिजाइन है जो हमने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ से हमने ये वाला धागा यहाँ पे खत्म कर दिया है क्योंकि अब हमने येलो का काम नहीं करना। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमने क्या करना है, देखिए अब हमने फ्रेंड्स फिर से दो सिलाइयां हमने सीधी सीधी बुननी है। तो देखिए मैं दो सिलाइयां सीधी सीधी बुनकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने दो सिलाइयां सीधी सीधी बुन ली हैं और एक यहाँ हमारी लाइन आ गई है। देखिए अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमने इसके दो हिस्से करने हैं, यानी एक इधर की पट्टी बनानी है, एक इधर की पट्टी बनानी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे 24 फंदे हैं, 24 फंदों को हमने देखिए 24 फंदों को हमने 11 फंदे अलग रखने हैं और 11 फंदे अलग, बीच के दो फंदों को हमने यहाँ पर बंद करना है। तो देखिए आपने 11 फंदे, तो एक फंदा उतार के 11 फंदे अपने सीधे सीधे बुनिए, दो हो गए, तीन चार पाँच छः, देखिए 10 के बाद धागा आगे करके 11 फंदे आपने इस तरह बुनने हैं। फिर आपने फ्रेंड्स देखिए इसे उतारना है, फिर से 11 फंदे आपने सीधे सीधे बुनने हैं। तो ये 11 फंदों की हमारी एक पट्टी सी बन जाएगी। तो फ्रेंड्स हमने एक पट्टी सी बनानी है, तो मैं ये रिपीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने 11 फंदों की देखिए एक पट्टी सी बना ली है और देखिए फ्रेंड्स मैंने कितनी लाइनें बुनी हैं ये देख लीजिए। यहाँ से गिनते हैं, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात
आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस, यानी मैंने 25 लाइनें बुनी हैं। और अगर आप सिलाइयाँ गिनेंगी तो फ्रेंड्स ये 50 सिलाइयाँ हैं और 25 लाइन कंप्लीट हो गई और मैंने यहाँ इसे बंद कर दिया है। तो देखिए 11 फंदों की पट्टी बन गई है। अब हमने फ्रेंड्स देखिए यहाँ भी 11 फंदों की पट्टी बनानी है, लेकिन यहाँ हमारे अभी फ्रेंड्स देखिए 13 फंदे हैं, तो हमने यहाँ पहले दो फंदे कम करने हैं। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए इस तरह से दो फंदों को हमने पहले एक साथ बुनना है, यहाँ से ये देखिए दो फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर इस ये फंदा इस पर चढ़ा देंगे, फिर हमने इन दो फंदों को एक साथ बुनना है और फिर ये फंदा इस पर डाल देंगे। तो देखिए अब कितने हैं, दो दो चार दो छः सात आठ नौ दस ग्यारह, फिर से हमने इन दो फंदों को एक साथ बुनना है, फिर इसे सिलाई पे चढ़ा देना है। अब हमारे 11 फंदे हो गए हैं, दो चार छः सात आठ नौ दस ग्यारह, और 11 फंदे के बाद हमने देखे जैसे हमने उधर की पट्टी तैयार करी थी, बस इन 11 फंदों की हमने एक पट्टी सी तैयार करनी है। हमने फ्रेंड्स 24 लाइनें बुननी हैं, 25 लाइनें बुननी हैं और सिलाइयाँ गिनेंगी आप तो सिलाइयाँ आपने 50 बुननी हैं। इस तरह से देखिए बस आपने फ्रेंड्स सीधा सीधा बुनना है धागा अपनी तरफ, लास्ट वाला फंदा उल्टा बुन दीजिए इस तरह से। जब आप दो सिलाइयाँ बुनती हैं तो फ्रेंड्स एक लाइन हमारी तैयार हो जाती है। तो इस तरह से मैं इस पट्टी को कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इधर की पट्टी भी देखिए तैयार कर ली है, जैसे फ्रेंड्स मैंने इधर की करी थी इस तरह से मैंने इधर की भी कर ली है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए इसको हम बंद करेंगे यहाँ से। तो देखिए बंद में आपको इधर बता देती हूँ कैसे करना है। दो फंदों को एक साथ बुनिए, इसे सिलाई पर चढ़ाइए, फिर से दो फंदों को बुन के सिलाई पर चढ़ाइए, यानी कि दो दो फंदे बुनने हैं और ये वाला बुना हुआ फंदा सिलाई पर डालकर फिर आपने दोबारा से उसके साथ बुनना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से दोनों पट्टियाँ तैयार हो गई हैं और हमने दोनों बंद कर लिए हैं। और देखिए फ्रेंड्स अब हम साइड से फंदे उठा रहे हैं, तो देखिए फंदे हमने इस तरह से, आप चाहें तो फ्रेंड्स इससे भी उठा सकती हैं, लेकिन मैं बहुत इजी तरीके से बताती हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से आपने देखिए क्रोशिया से हर चैन, हम जो बुनते हैं उल्टा तो उसमें एक चैन बन जाती है, तो बस हमने हर चैन में से फंदे उठाने हैं। देखिए इस तरह से हमने फंदे उठा लिए। अब मैं इसको इस तरह से इस पर ले लूंगी, ये देखिए इस तरह, इस तरह से। तो देखिए मैंने साइड से फंदे उठा लिए हैं, ये देखिए। और फ्रेंड्स देखिए यह हमने 12 से स्टार्ट करा था, 12 फंदे हमने इधर से उठाने हैं। और साइड में मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, साइड में मैंने 54 फंदे उठाए हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि मैडम आपने साइड में से कितने फंदे उठाए हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें कि हमने यहाँ से 54 फंदे उठा लिए हैं, यहाँ 12 फंदे उठाएंगे और फिर यहाँ से भी हमने 54 फंदे उठाने। तो ये सारे फंदे उठाकर फिर मैं बताती हूँ आपको कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए हर तरफ से, ये देखिए इस तरह से गुलाई से फंदे उठा लिए, देखिए इस तरह। और फ्रेंड्स ये तार वाली सिलाई है, ये देखिए इसमें हमने इजीली सारे फंदे उठा लिए हैं। 12 फंदे मैंने यहाँ से उठाए हैं और देखिए यहाँ से 54 और यहाँ से साइडों से 54, इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने देखिए सीधे सीधे सिलाई बुननी है, आपने यहाँ 7 लाइनें यानी 14 सिलाइयाँ आपने सीधे सीधी बुननी है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से मैं 7 लाइनें और 14 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनकर फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए इस तरह से बुनेंगी आप, ये देखिए यहाँ से ये पूरी सिलाई आपने सीधी बुननी है। यहाँ से मैंने आपको फंदे उठाने बता दिए, तो उसके बाद देखिए मैंने बोला था आपको कि आपने 7 लाइनें सीधी सीधी बुननी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 लाइनें देखिए पूरी सीधी सीधी बुन ली हैं। 7 लाइनों में फ्रेंड्स ये हमारी 14 सिलाइयां हैं,
ये 14 सिलाइयां कंप्लीट कर ली है। और आप देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको तीन में डिवाइड किया है। देखिए ये मेरे 54 फंदे हैं, ये सारे, ये भी 54 हैं, और ये मेरे बीच के फंदे 12 फंदे जो मैंने उठाए थे। अब आपने देखिए, इस तरह से जब भी आपने सोल बनाना हो तो आप इस तरह से इनको तीन हिस्सों में बांट लीजिए, आधे फंदे इधर, आधे इधर, और बीच में जो आपने फंदे डाले थे, बीच के फंदों को उठा करके आपने रखना है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए आपने क्या करना है, देखिए यहां से आपने गिनना शुरू करना है एक, और आपने सीधा ही बुनना है, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह। देखिए 11 फंदे तो फ्रेंड्स आप इसी तरह बुनेंगे, इसे हटा दीजिए और एक फंदा इधर से, यानी कि एक इधर और लेंगे 11, और जो 11 फंदे पहले आपने सीधे सीधे बुनने हैं, इसके बाद आपने फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए धागा अपनी तरफ लाएंगे और इन दो फंदों को एक साथ इस तरह से बुन लेंगे। देखिए फिर आपने क्या करना है, ये देखिए फिर आपने पलटना है। अब आपने इसे बुनना नहीं है, बाकी के फिर से आपने देखिए एक फंदा या दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, और ये देखिए ये हमारा 11, ये हमारे 11 फंदे हो गए, और ये जो हमारा फंदा है ये वाला 12वां फंदा, इसको फ्रेंड्स आपने देखिए इसके साथ मिला करके बुनना है। 11 के बाद ये हमारे 12 हो गए। पहले आप धागा अपनी तरफ लाएंगी और इस तरह बुन देंगे, ये देखिए। फिर आपने क्या करना है, देखिए इसे आपने उतारना है, यानी कि आपने हर सिलाई में देखिए दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाना है, और बीच में आपने पूरे 12 ही फंदे रखने हैं। देखिए कितने होंगे, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और ये 12वां फंदा है आपका। धागा की तरफ लाके इन दो फंदों को इस तरह से बुन दीजिए, फिर इधर लाइए और इसको उतार लीजिए। फिर से आपने 11 फंदे बुनने हैं, तो 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 11। धागा अपनी तरफ लाइए और इस वाले फंदे के साथ इसको मिला के बुन दीजिए, देखिए फिर ये आपके हो गए 12। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से, फ्रेंड्स देखिए हमारे दोनों तरफ से फंदे एक बार इधर से कम हो रहा है, एक बार इधर से कम हो रहा है, और बीच के फंदे इसी तरह चल रहे हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं से यहाँ तक, यानी 5 फंदे जब मेरे रह जाएंगे, जब तक मैं इन्हें घटाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से देखिए मैंने नीचे का देखिए सोल पूरा तैयार कर लिया है, और देखिए कितना प्यारा बना है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए हमने कहाँ तक घटा लिया है, देखिए मेरे 5 फंदे इधर रह गए हैं और 5 इधर रह गए हैं। तो अब हमने क्या करना है, देखिए हमने धीरे धीरे फ्रेंड्स बीच में से भी घटाना है। तो देखिए इस तरह से पहले आप धागा पीछे करेंगे इस तरह से, फिर आपने देखिए ये दो फंदों को एक साथ बुनना है, फिर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये देखिए 7, 6 के बाद आपने इन दो फंदों को एक साथ बुनना है, और इस फंदे को इसके साथ मिला के बुनेंगे इस तरह से।
अपनी तरफ धागा करके बुनेंगे। देखिए तो अब हमारे चार फंदे रह गए इधर। अब हमने क्या करना है, देखिए इसको फिर हमने बुनना है, दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ, धागा अपनी तरफ करके इन दो फंदों को एक साथ बुन देंगे। तो अब इधर भी चार रह गए। अब आपने क्या करना है, देखिए इस फंदे को ऐसे उतारेंगे और इन दो फंदों को पहले हमने एक साथ बुनना है। हम बीच में से भी घटा रहे हैं और साइडों में से भी घटा रहे हैं। तो एक हो गया, दो तीन चार पाँच, पाँच के बाद आपने देखिए फिर इन दो फंदों को घटाना है, ये वाला इस तरह से घटाएंगे और फिर इन दो फंदों को इस तरह से। अब देखिए हमारे तीन फंदे रह गए साइडों में इस तरह से। फिर आपने क्या करना है, देखिए इसे उतारना है, इस फंदे को यहाँ से एक दो, दो के बाद ये तीन चार पाँच, पाँच के बाद देखिए इन दो फंदों को घटाएंगे, ये छः और ये धागा आगे करके इनको घटाएंगे इस तरह से। देखिए बीच से भी फंदे घट रहे हैं और दोनों तरफ तीन तीन फंदे रह गए हैं। फिर आपने क्या करना है, इसको उतारना है, ये तो हमने घटा लिया तो हम इसे बुन लेंगे, दो तीन चार पाँच, चार के बाद इन दो फंदों को एक साथ घटाएंगे इस तरह, धागा अपनी तरफ करेंगे और इन दो फंदों को फिर घटाएंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा ये इस तरह से आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से ये तो हमने घटा लिया तो इसको बुन लेंगे, दो तीन, तीन के बाद इन दो फंदों को घटाएंगे पहले, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इन दो फंदों को एक साथ फिर घटा लेंगे इस तरह। अब देखिए इधर भी हमारे दो बचे और इधर भी दो बच गए हैं फंदे। फिर आपने इसको लेना है इस तरह से, दो तीन, तीन के बाद देखिए इस तरह से पहले इन दो फंदों को घटाइए और अब धागा अपनी तरफ करके इन दो फंदों को इस तरह घटाइए। अब एक फंदा बचा है, इधर करेंगे, इधर से एक इस पर रखेंगे, इसे नहीं बुनेंगे क्योंकि ये हम बुन चुके हैं। इसके बाद देखिए दो हो गए, अब आपने ये तीन हो गए और अब इन दोनों को एक साथ घटाएंगे धागा अपनी तरफ करके इस तरह। दोनों तरफ एक एक फंदा बच गया है और बीच में हमारे चार फंदे हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए इसे पलटना है, इसे रखेंगे और इसको देखिए एक उतार लिया और अब आपने इन दो फंदों को एक साथ घटाना है इस तरह, और अब हम इन दोनों फंदों को पहले धागा आगे करेंगे और इन दो फंदों को एक साथ घटाएंगे। इधर का फंदे घट गए, अब हमने क्या करना है, देखिए फिर पलटेंगे, इसको उतार लेंगे, एक हम ऐसे ही बुनेंगे, ये वाला फंदा इसको ऐसे बुनेंगे और इन दो फंदों को एक साथ घटा देंगे इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारे तीन फंदे हैं। अब हमने क्या करना है, देखिए इन तीन फंदों को अब हमने यहाँ से बस अब हमने इन तीन फंदों को एक साथ घटाना है इस तरह से। देखिए इस तरह से देखिए ये हमारा घट गया है,
इस तरह से शेप आ गई है। अब हमने क्या करना है, देखिए उल्टा करके इस तरह से, अब आपने फ्रेंड्स देखिए इसकी सिलाई करनी है यहाँ से। ये देखिए अंदर वाली चैन से चैन मिलाकर आपने इस तरह से इसको सीना है, देखिए इस तरह। तो फ्रेंड्स देखिए मैं इसकी सिलाई करकर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने इसकी सिलाई कर ली है, बस हमारी यहाँ सिलाई आएगी। देखिए फ्रेंड इस तरह से देखिए हमने सिर्फ यहाँ सिलाई करी है, बाकी ये पूरा हमने देखिए छोड़कर ही बनाया है, कहीं भी हमने इसमें सिलाई नहीं की। और बनने के बाद देखिए इसका कितना खूबसूरत सा लुक आया, ये देखिए कितना प्यारा डिजाइन लग रहा है। और ये देखिए साइडों की हमारी, ये हमारे साइड का सात लाइनें जो बनाई थी वो है, और नीचे का सोल देखिए। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।